अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अब दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। चाहे वो ब्रिटेन हो या फिर फ्रांस या जर्मनी, हर जगह लोग नस्लवाद के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये विरोध प्रदर्शन एशियाई और लैटिन अमेरिकी देशों में भी जारी है। दुनिया के अलग अलग देशों में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच शुक्रवार को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ओटावा में हो रहे नस्ल विरोधी प्रदर्शन में हिस्सा लिया और प्रदर्शनकारियों को अपना समर्थन देते हुए घुटनों के बल बैठ गए। काले रंग के कपड़े का मास्क पहने ट्रूडो ओटावा में सिक्योरिटी गार्ड के साथ पार्लियामेंट हिल पहुंचे। कुछ प्रदर्शनकारियों के कहने के बाद वे भी उनके साथ शामिल हो गए, जिसके बाद प्रधानमंत्री को प्रदर्शनकारियों ने धन्यवाद कहा। इस प्रदर्शन में ब्लैक लाइव्स मैटर्स के नारे लग रहे थे। तो वहीं ब्रिटेन की राजधानी लंदन में नस्लवाद के खिलाफ कितने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ, तस्वीरें देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। सेंट्रल लंदन की सड़कों पर 1,00,000 से ज्यादा लोग उतर आए और अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा। पेरिस की सड़कों पर पोस्ट बैनर के साथ उतरे लोगों ने न सिर्फ मार्च निकाला बल्कि पुलिस से भी भिड़ गए। ब्रिटेन और फ्रांस की तरह जर्मनी में भी विरोध प्रदर्शन हुआ, हालांकि यहां हिंसा नहीं हुई। लोगों ने राजधानी बर्लिन में शांतिपूर्वक मार्च निकाला और इंसाफ की मांग की। इनके अलावा भी कई और देशों में जॉर्ज के सपोर्ट में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।